राम चरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई। इस भजन में भगवान राम के चरणों की महिमा गाई गई। राम चरण सुखदाई रघुवर, राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई। जहि चरणन से निकसी सुरसरी, शंकर जटा समाई, जटा शंकरी नाम पर्यो है, जटा शंकरी नाम पर्यो है, त्रिभुवन तारण आई, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई। जहि चरणन की चरण पादुका भरत रहो लिव लाई, सोई चरण केवट धोईली ने, सोई चरण केवट धोईली ने, तब हरी नाव चढ़ाई, भज मन राम चरण सुखदाई। सोई चरण संतन जन सेवत सदा रहत सुखदाई, सोई चरण गौतम ऋषि नारी परसी परम पद पाई, भज मन राम चरण सुखदाई। दंडक वन प्रभु पावन कीन्हो, ऋषियन त्रास मिटाई, सोई प्रभु त्रिलोक के स्वामी, कनक मृगा संग धाई, रघुवन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई। कपि सुग्रीव बंधु भय व्याकुल, तिन जय छत्र धराई,
रिपु को अनुज विभीषण निश्चर परसत लंका पाए भजवन राम चरण सुख राय भजवन राम चरण सुख राय शिव सनकादिक और ब्रह्मादिक शेष सहस मुख गाई तुलसीदास मारुत सुत की प्रभु तुलसीदास मारुत सुत की प्रभु निज मुख करत बड़ाई भजवन राम चरण सुखदाई जय चरणन की चरण पादुका भरत रहो निवनाई सोई चरण केवट धोईली ने भगवान राम जानकी जी और लक्ष्मण जी वनवास के लिए गए रास्ते में नदी पार करनी थी केवट पहले से ही अपनी नाव लिए खड़ा था उसको मालूम था आज प्रभु आएंगे आज सेवा का अवसर मिलेगा जन्म जन्म के पाप धुल जाएंगे भगवान राम पहुंचे केवट से कहा केवट हमें इस नदी के उस पार उतार दो केवट ने कहा नहीं प्रभु एक शर्त है प्रभु ने पूछा शर्त क्या है केवट ने कहा प्रभु पहले अनुमति दें मैं आपके चरण पखार दूं मैंने सुना है कि आपके चरण किसी पत्थर को लग गए तो उसने अहिल्या नारी का रूप ले लिया अगर मेरी नाव को कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा प्रभु मुस्कुराए केवट की चतुरता समझ गए अनुमति दी केवट ने प्रभु के चरण पखारे चरणामृत पिया और ले चला उस पार राम चरण सुखदाई भजवन राम चरण सुखदाई भजवन राम चरण सुखदाई उतार दिया उस पार भगवान राम सोचने लगे कि केवट का तो यही काम है इसी से इसका परिवार चलता है तो इसे कुछ मजदूरी देनी चाहिए लेकिन देते क्या कुछ था ही नहीं बनवासी राम सब छोड़कर आए थे इशारा किया सीता जी को और सीता जी ने एक अंगूठी केवट को देनी चाहिए केवट ने मना कर दिया केवट बोला प्रभु मैं आपसे कुछ नहीं ले सकता आज तो सेवा का अवसर मिला है भगवान राम बोले केवट ले लो ये मजदूरी है और मजदूरी लेने में शर्म नहीं करते केवट बोला प्रभु ये शर्म की बात नहीं है ये तो नियम है आपसे नहीं ले सकता भगवान राम ने पूछा ये नियम क्या है केवट बोला प्रभु एक ही काम करने वाले दो आदमी आपस में लेन देन नहीं करते भगवान राम सोचने लगे कि ये मेरा और केवट का काम एक कैसे हो गया पूछा उन्होंने केवट जरा साफ साफ बताओ कुछ बात समझ नहीं आई कुछ स्पष्ट करो केवट बोला प्रभु एक ही काम है हमारा आपका कहने लगा नाई से ना नाई लेत
नाई से ना नाई लेत, धोबी से ना धोबी लेत, देखे मजूरिया ये जाति को न बिगाड़िए। भगवान राम बोले ठीक है, ये तो नाई और धोबी का मामला है, ये हमारा तुम्हारा काम एक कैसे हो गया। केवट बोला है प्रभु एक ही, कहने लगा नाई से ना नाई लेत, धोबी से ना धोबी लेत, देखे मजूरिया ये जाति को न बिगाड़िए। प्रभु आए मोरे घाट तो पार मैंने उतार दीने, जब आऊंगा मैं तोरे घाट तो पार मोही उतारियो। जब आऊंगा मैं तोरे घाट तो पार मोही उतारियो। केवट कहने लगा प्रभु मैं तो इस छोटी सी नदी का मल्लाह हूं, आप भी मल्लाह हैं लेकिन इस भवसागर के मल्लाह हैं। जब आऊंगा मैं तोरे घाट तो पार मोही उतारियो। राम चरण सुखदाई भज मन, 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 राम चरण सुख, राम चरण सुख, राम चरण सुखदाई।